हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल लहसुन की तीखी सी चटनी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको आप पूड़ी, पराठे, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगती है। और कभी भी आपको सब्जी को चटपटा बनाना हो तो थोड़ा सा इसमें से चटनी आप मसाले में डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देती है। तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। आइए इस चटपटी सी चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 15 से 20 लाल सूखी मिर्च और आधा कटोरी लिया है लहसुन की कलियाँ। लहसुन को मैंने अच्छे से छिल के और धो लिया था एक बार। और अगर आपको चटनी जो है तीखी कम पसंद है तो आप जो मिर्च है इसके बीज निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो लाल मिर्च का पाउडर होता है इसकी जगह पर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। देखिए इसका पेस्ट बना लिया। पेस्ट हमें ज़्यादा स्मूथ नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसका पेस्ट बना लिया। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। और यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो इसे मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है इसके अंदर मैं डाल दूंगी जीरा और राई। ये जो चटनी होती है बहुत ही बढ़िया लगती है, और विंटर हो, गर्मी हो, बरसात हो, चटनी तो एक ऐसी चीज़ है जो सभी को पसंद आती है। खाने की प्लेट में अगर अचार के साथ चटनी मिल जाए तो फिर खाने का जो मज़ा है चार गुना बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने देखिए जीरा, राई और थोड़ा सा हींग डाल दिया है, और बस इन दोनों चीज़ों को मैं चटकने दूंगी। और जैसे ही ये चटकेंगे हम इसके अंदर जो हमने लहसुन और मिर्च का पेस्ट बनाया था वो हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए जीरा और राई जो है हमारी चटकनी स्टार्ट हो गई है। अब इसके अंदर जो मैंने लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दूंगी। फ्लेम इस समय हम कम कर देंगे ताकि इसकी धसक ना उड़े। तो ये पेस्ट देखिए मैंने ऐड कर दिया है, और बस अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि ये ऑयल को दोबारा से रिलीज ना कर दे। मेन इसमें भूनने का ही प्रोसेस है। जितना अच्छा आप इस चटनी को भूनेंगे उतनी ही बढ़िया चटनी आपकी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए हम इसको अच्छे से भून रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस डालूंगी। तो स्पाइसेस में जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट, और इसके साथ साथ डालूंगी एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे रंग बड़ा अच्छा आता है हमारी चटनी का। और बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भूनेंगे जब तक कि ये ऑयल जो है इसका रिलीज ना कर दे। ये जो चटनी है इसको आप एक महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। भूनने का मेन यही है मोटिव हमारा कि हम इसकी जो लाइफ शेल्फ है वो हम बढ़ा सकें। और यहाँ ग्राइंडर में थोड़ा सा पेस्ट बचा था तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे कंटिन्यूसली। तो ये देखिए इसने ऑयल को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है, बट अभी भी ये थोड़ा सा कसर इसके अंदर बाकी है। इसमें ऑयल अच्छे से नहीं दिख रहा है, सेपरेट नहीं हो रहा है, बट रिलीज कर दिया है। मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए अब हमारी चटनी बिल्कुल बनके तैयार है। इसने ऑयल अच्छे से सेपरेट कर दिया है और पहले से थिक भी हो गई है ये। तो बस रेडी है हमारी लहसुन और लाल मिर्ची की तीखी सी चटपटी सी चटनी, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।